कीर्तन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जय घोष की गूंज है तो कोई शंखनाद भी कर रहा है। भूमि पूजन के पूर्व मंगलवार को रामलला स्थल पर रामअर्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा जो कि 6 घंटे तक अनवरत चलेगा। 5 अगस्त को सुबह से विधि पूजा होगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन प्रारंभ करने से पूर्व तक जारी रहेगी। मंगलवार को हनुमानगढ़ी में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। 5 तारीख को उस जगह पर विशेष पूजा होगी जहां गर्भगृह बनेगा। जन्मभूमि पर जहां आज भगवान विराजमान है लकड़ी के टेम्पररी टेम्पल में, वहां रामार्चा करेंगे। 5 तारीख को जहां मंदिर का गर्भगृह तैयार होना है, स्थान का चिन्ह अंकित हो गया है, वहां पर पूजा होगी। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या का दौरा कर वहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री दोपहर बाद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण भी किया। वे हनुमानगढ़ी भी गए और तैयारियों के बाबत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से आयोजन स्थल पर तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। देखने के लिए आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती दी जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट की तरफ से देश के 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को न्योता दिया गया है। देश के अलावा नेपाल से भी संतों को बुलाया गया है। कोरोना काल में सामाजिक दूरी के नियमों समेत सभी दिशा निर्देशों का कार्यक्रम में पूरी तरह से पालन होगा। कोरोना, उसके दिशा निर्देश, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी, इस सब का ध्यान रखा गया है और इसीलिए संख्या को बहुत सीमित। फिलहाल ट्रस्ट के साथ ही अयोध्या निवासियों और प्रशासन ने भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना